आधुनिक भारतीय नारी आज के निबंध का टॉपिक है आधुनिक भारतीय नारी के बारे में आज हम इस निबंध में बात करेंगे और यह निबंध आपके हर प्रकार के परीक्षा में बहुत काम आने वाला है तो ध्यान से देखिए आज के इस निबंध के बारे में और सुनिए कि आधुनिक भारतीय नारी के बारे में इस निबंध में क्या बताया गया है नर तथा नारी समाज के दो महत्वपूर्ण अंग हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं इतिहास में कई बार ऐसा दिखाई देता है कि पुरुष समाज को नारी समाज पर श्रेष्ठता प्राप्त कर रही है इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में नारी घर की चार दीवारी में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करती थी स्त्री को माता का जो महान और भव्य रूप भारतीय शास्त्रकारों ने दिया है वह संसार के किसी भी देश काल के जातीय इतिहास में उपलब्ध नहीं होता है उसे देवी कहकर पुकारा गया और उपासना आराधना की वस्तु की संज्ञा दी गई लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे चरण भी आए जब नारी की उपेक्षा की गई और उसे भोग की वस्तु बना दिया गया विशेषकर मध्यकाल में भारत की नारी की दशा शोचनीय बन गई लेकिन आधुनिक काल में नारी ने करवट ली और अपना कायाकल्प कर डाला वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने लगी आज की नारी अपनी दोहरी भूमिका का निर्वाह कर रही है उसके कर्तव्य का क्षेत्र पहले से बढ़ गया है आज एक और वह विवाहित रूप में घर का उत्तरदायित्व संभालते हैं तो दूसरी और बाहर के क्षेत्र में काम करके और कुछ कमाकर अपने पति का घर खर्च चलाने में हाथ बटाती हुई दिखाई देती है अविवाहित नारी भी नर के समान बाहरी क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय देकर कुछ अर्जन करके कुछ कमाई करके परिवार की आर्थिक दशा सुधारने में अपना योगदान देती है आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नारी ने पदार्पण कर अपनी प्रतिभा का परिचय नहीं दिया हो राजनीति के क्षेत्र में भी उसने कदम बढ़ाए हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो उसका बोलबाला है चिकित्सा के क्षेत्र में वह अपनी कुशलता का परिचय दे रही है सरकारी कार्यालयों में वह पुरुष के बराबर काम कर रही है कामकाजी महिलाओं की निरंतर वृद्धि हो रही है शिक्षा के प्रसार ने उनके लिए प्रगति के सभी द्वार खोल दिए हैं खेद की बात यह है कि कुछ दकियानुषी विचारों वाले लोग आज भी नारी को घर की चार दीवारी में ही रखना चाहते हैं उनका यह दृष्टिकोण बदलना चाहिए क्योंकि भारतीय नवजागरण के आलोक में नारी ने अपनी सत्ता महत्व प्रतिभा और गौरव को पहचाना है राजा राममोहन राय तथा स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयत्नों से नारी में निहित हीन भावना दूर हुई और उसने अपनी क्षमताओं को पहचाना इधर साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी को पुरुष के चंगुल से निकालकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी आज की नारी प्राचीनता की उतार कर एक नए आलोक में जा रही है स्वतंत्रता प्राप्ति तथा नव जागरण के बाद नारी के कर्तव्य क्षेत्र का विस्तार हुआ है आज उसे दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ रहा है एक रूप में वह माँ और पत्नी के रूप में घर का सारा कामकाज करती है तो दूसरे रूप में वह बाहरी जीवन में अपने प्रतिभा और क्षमता का परिचय भी दे रही है उसने घर और बाहर में सुंदर समन्वय किया है आज की बढ़ती हुई महंगाई में ऐसी ही नारियों की आवश्यकता है जिस प्रकार पक्षी नीड़ से बाहर रहकर अपने बच्चों के लिए दाना जुटाता है और संध्या के समय नीड़ में लौटकर अपने बच्चों से स्नेह बांटता है उसी प्रकार नारी को भी बाहर के क्षेत्र में काम करते हुए अपने परिवार के समुचित कर्तव्य को निभाना है